अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर से प्रिंट लेना चाहते हैं, हम प्रिंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार, साके अकाउंट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां पर सबसे पहले सेल बिल का प्रिंट निकाल के दिखा देता हूं। हमें सेल बिल का प्रिंट किस प्रकार से निकालना है। मैंने यहां पर ऑलरेडी बिल बना रखे हैं, मैं आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। सेल बिल कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब वहाँ से वॉच कर सकते हो। हमने प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमने ओ प्रेस करना है। ओ प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास कई तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर GUI व्यू पर क्लिक करना है और हमारे पास जो भी बिल का फॉर्मेट है उसमें प्रीव्यू शो कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मैं वापसी ओ प्रेस कर रहा हूँ। अगर हमने PDF क्रिएट करना है तो हमने PDF पर एंटर करना है। एंटर करते ही हमारे पास PDF क्रिएट हो जाएगी। ओ फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अगर हमने बिल वर्ड पर ट्रांसफ़र करना है तो वर्ड में हो जाएगा। अगर एक्सेल में करना चाहते हैं तो एक्सेल में हो जाएगा। HTML में करना चाहते हैं तो HTML में हो जाएगा। RTF में करना चाहते हैं तो RTF में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जितनी भी हमारे को कॉपी निकालनी हो, जैसे हमने एक कॉपी निकालनी है तो हम एक प्रेस करेंगे, दो कॉपी निकालनी हो तो दो प्रेस करेंगे, या उससे ज़्यादा भी कॉपी निकालनी हो तो हम उतना यहाँ पर प्रेस कर देंगे, उतनी कॉपियाँ अपने आप प्रिंट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम परचेज की एडवाइस देखना चाहते हैं, मैं मॉडिफाई परचेज पर गया हूँ, हमने यहाँ पर ऑल कर दिया है और यहाँ पर मैं प्रिंट के ऑप्शन पर जाऊँगा और दोस्तों यहाँ पर मैं एस्टिमेट कर एंटर करूँगा और यहाँ से हमने ओ प्रेस करना है। ओ प्रेस करने के बाद में वही सेम ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास शो कर जाते हैं। मैं यहाँ पर व्यू कर देता हूँ, हमारे पास ये गुड्स रिसीव्ड एस्टिमेट हमारे पास शो हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों, हमने ओ फिर से प्रेस किया है, हम किसी भी फॉर्मेट में रिसिप्ट नोट प्रिंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसके अलावा अगर हमने लेजर का प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से मैं ऑल लेजर पर जाऊँगा। मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एल प्रेस किया है और यहाँ पर मैंने इस पार्टी का प्रिंट निकालना है। प्रिंट हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया है, जहाँ तक निकालना हो वहाँ तक हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमने अगर लेजर शो करना है तो यहाँ पर हम लेजर शो कर लेंगे। अगर हम एंट्री वाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एल्ट के साथ पी प्रेस करना है। यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार के ऑप्शन हमारे पास हमारे सामने शो हो जाते हैं। अगर फुल पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो फुल पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हाफ पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो हाफ पेज पर प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फुल प्रिंट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रिंट डेट रेंज देना है, यहाँ पर यस करेंगे। वाउचर और नंबर प्रिंट करना है या नहीं करना है, मैंने यहाँ पर नो किया है। अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पर यस करना है। पेज नंबर प्रिंट करना है या नहीं करना है, मैंने यहाँ पर यस किया है। यहाँ पर प्रिंट की स्टाइल बताया है, ओनली नरेशन आना चाहिए या फिर डिटेल के साथ आना चाहिए, डिटेल टू आना चाहिए, हेड प्लस नरेशन आना चाहिए या हेड और नरेशन आना चाहिए, विदाउट नरेशन आना चाहिए। हम किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टी वाउचर डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अगर बिल वाई बिल एडजस्टमेंट का डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, हम किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर व्यू करना चाहते हैं व्यू करेंगे, अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने प्रिंट पर एंटर कर देना है, लेजर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लेजर को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सेल पर प्रिंट एंटर करेंगे। अगर वर्ड में लेके जाना चाहते हैं तो वर्ड पर एंटर करेंगे। अगर हम लेजर का PDF बनाना चाहते हैं तो PDF पर एंटर करेंगे। अगर HTML बनाना चाहते हैं तो हम HTML पर एंटर करेंगे।
हम ये सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्यू करके दिखा देता हूँ, प्रिंट हमारा इस टाइप से आएगा। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर उसी लेजर पर हूँ और मैंने यहाँ पर एंटर किया है, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम मंथली वाइज लेजर को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने मंथली पर एंटर कर देना है और यहाँ से एल्ट के साथ पी प्रेस करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, अगर डिटेल वाइज देखना चाहते हैं तो डिटेल वाइज आ जाएगा, विदाउट डिटेल देखना चाहते हैं तो विदाउट डिटेल आ जाएगा। मैं विद डिटेल देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर व्यू किया है, यहाँ पर अलग अलग मंथ वाइज यहाँ पर शो कर रहा है। ESC से बैक आ जाता हूँ, मैंने दोबारा से यहाँ पर एंटर किया है। अगर हम डेली वाइज यहाँ पर एंट्रियाँ देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डेली पर एंटर करना है, यहाँ पर हमें डेली वाइज की एंट्रियाँ शो कर देगा। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ, मैंने दोबारा से यहाँ पर ही एंटर किया है। अगर हम लेजर की समरी देखना चाहते हैं, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज किया है इस पार्टी को, तो यहाँ से सेल परचेज देख सकते हैं और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल वाउचर एंट्रियाँ, ये अलग अलग हमें शो कर देगा। अगर हम किसी भी एंट्री को हटाना चाहते हैं, मान लो हमने सेल का एंट्री हटा दिया है, तो यहाँ पर सेल का एंट्री हट जाएगा, सिर्फ हमने जो जो बॉक्स पर हमने टिक किया है उन्होंने एंट्रियों का डाटा हमें शो करेगा। मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दिया है, एक्सेप्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर वो डाटा में यहाँ पर अलग अलग शो कर देगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लेजर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग के दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिनसे हम अलग अलग टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं। इन दो ऑप्शनों के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।